हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल गुलदस्ता में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटर पनीर। तो आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं और इसे बनाने के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए पनीर। पनीर बिल्कुल फ्रेश लेना है हमें और इसके टुकड़े हमें कर लेने हैं। टुकड़े का साइज आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा रख सकते हैं। एक कटोरी हमें ताजी हरी मटर चाहिए। 3 बड़े साइज की प्याज को छीलकर साफ कर बारीक काट लेना है। 2 बड़े साइज की टमाटर, इसके मोटे टुकड़े कर लेने हैं। 15 से 20 छिली हुई लहसुन की कली, 10 से 15 काजू। अब हमें इन तीनों चीजों को इकट्ठे पीसकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है। काजू, लहसुन और कटा हुआ टमाटर। इस पेस्ट में हम पानी नहीं डालेंगे। टमाटर के साथ ही हम लहसुन और काजू को पीस करके पेस्ट तैयार करेंगे। टमाटर, काजू और लहसुन का पेस्ट हमारा पीस करके तैयार है। अब हमें इसमें लगने वाली बाकी के सूखे मसाले क्या सब चाहिए वो देख लेते हैं। हमें चाहिए जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा चम्मच। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच। होममेड गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1 छोटा चम्मच। होममेड गरम मसाला कैसे तैयार करते हैं ये अगर आपको नहीं मालूम हो तो इसका वीडियो है हमारे चैनल पर, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। नमक स्वादानुसार और फोरन के लिए हमें चाहिए तेज पत्ता, लाल सूखी मिर्च, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। आइए अब हम बनाना शुरू करें। सबसे पहले गैस ऑन कर लें हम। तेज आंच पर ही हमें कढ़ाई को गर्म कर लेना है और तेल हमें गर्म कर लेना है। तेल हम सरसों का लिए हैं। सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी का बहुत ही अच्छा कलर और टेस्ट होता है, तो कोशिश करें कि आप सरसों के तेल में ही बनाएं। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो अब हमें इसमें फोरन पका लेना है। फोरन हमारा लाल हो चुका है तो इसमें अब हम कटा हुआ प्याज डाल करके तेज आंच पर ही चलाते हुए इसे भूनेंगे। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब इसमें पिसी हुई काजू, टमाटर और लहसुन का जो पेस्ट हम बनाए थे वो डालकर हमें अभी इसे भूनना है। पांच मिनट करीब हमारा हो चुका है तो यहाँ हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे।
नमक यहाँ ऐड करके इसे हम भुनेंगे। जब काजू, लहसुन और टमाटर का पेस्ट हम डालते हैं प्याज में, तो हल्का सा नीचे से वो चिपकने लगता है, तो इसलिए नमक यहाँ डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि भूनने में हमें आसानी हो। और इसे चलाते हुए ही हम भूनेंगे। चारों तरफ कढ़ाई में तेल दिखने लगा है तो यहाँ पे हम आँच कम कर लेंगे, फ्लेम हम सिम कर लेंगे और बाकी के जो सूखे मसाले हैं वो यहाँ हम ऐड करेंगे। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन सभी को अभी एक साथ हम यहाँ करीब 10 मिनट और भूनेंगे। और अब हमें मसाले को चलाते हुए ही भूनना है, छोड़ना नहीं है। मसाला हमारा पूरी तरह से भून चुका है तो यहाँ अब इसमें हम हरी मटर और कटा हुआ पनीर मिक्स करेंगे। इसे हम अभी कम से कम 10 मिनट तक भुनेंगे, आंच हमें कम ही रखना है और इसे हमें चलाते हुए ही भूनना है। दस मिनट हमारा हो चुका है तो अब हम यहाँ इसमें मिक्स करेंगे गरम मसाला पाउडर। अभी इसे 5 मिनट हम कम आंच पर चलाते हुए भुनेंगे। पांच मिनट करीब हमारा हो चुका है और पूरी तरह से अब भून करके हमारा मसाला पनीर और मटर भी तैयार है, तो यहाँ पे अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर लेंगे। और अब इसे ढक करके हमें तेज आंच पर में एक उबाल आने तक पकाना है। ग्रेवी हमारा पूरी तरह से खोल रहा है तो मटर पनीर हमारा पककर तैयार है। अब हमें यहाँ गैस ऑफ कर लेना है और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे परोसेंगे। मटर पनीर हमारा बन करके तैयार है। ये देखने में जितना ही खूबसूरत है खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है, तो आप भी मेरी तरह से बनाएं, खाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, कमेंट करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।